हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू दिस इज़ अखिलेश कुमार एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्मार्ट इंग्लिश विद अखिलेश सर टुडे वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट बी हाइपिज चैप्टर फोर द ट्रिवली ब्यूटीफुल माइंड दैट इज रिटन बाय अ ग्रेट राइटर अ ग्रेट जीनियस अल्बर्ट आइंस्टीन सेज बियोग्राफी ये जो चैप्टर है चैप्टर फोर है और ब्यूटीफुल माइंड और ब्यूटीफुल माइंड का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक वास्तविक सुंदर सा माइंड की बात की गई है जो माइंड किसका है वो स्वयं ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन जी का है ठीक है तो हर कोई उनके बारे में अच्छी प्रकार से जानता है तो देख लेते हैं इसके बारे में सबसे पहले इसके करेक्टर देख लेते हैं करेक्टर क्या है? तो सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन जी की ही बात की जाएगी एक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक और मानवतावादी जिन्हें विश्व नागरिक के रूप में माना गया अल आइंस्टीनसिज मदर की भी बात की गई है यहाँ पे। तो एक रूढ़वादी महिला जो मिलेवा को स्वीकार नहीं कर सकती थी क्योंकि वह अल्बर्ट से तीन वर्ष बड़ी थी तो यहाँ मिलेवा मेरिक कौन है तो मे, मिलेवा मैरिक वही हैं जो अल्बर्ट आइंस्टीन जी की प्रथम पत्नी थी ठीक है और इसके बाद आगे देख लेते हैं मिलेवा मैरिक ये कौन है तो आइंस्टीन की सहपाठी छात्रा और उनकी पहली पत्नी हैं और उनकी प्रारंभिक बौद्धिक महत्वाकांक्षा बाद में एक ग्रहणी के रूप में अप्रसन्नता में बदल गई तो अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने मलेबा मैरिक से विवाह कर लिया था जो कि उम्र में उनसे तीन वर्ष बड़ी थी ठीक है जो कि सर्बिया से बिलोंग करती थी तो सर्व लेडी माना गया है तो वास्तव बहुत इंटेलिजेंट थी तो अल्बर्ट आइंस्टीन जी को ऐसा लगा कि मैं इंटेलिजेंट हूँ और प्लस मिल मैरिक भी इंटेलिजेंट है तो दोनों लोग लो जब मिल जाएंगे तो हम जिस सिद्धांत पे काम कर रहे हैं तो वो सिद्धांत बहुत जल्दी ही फलीभूत हो जाएगा लेकिन वो विवाह कर लेते हैं उसके बाद उनके द्वारा दो पुत्र भी उत्पन्न होते हैं दो पुत्र पैदा होते हैं लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी गृहिणी कितनी भी इंटेलिजेंट हो लेकिन वो गृहस्थी के कामकाज में जब फंस जाती है तो उसकी जो बुद्धिमत्ता होती है जो आई लेवल होता है वो एक तरह से डाउन हो जाता है तो और यही वो कारण रहा कि इनका वैवाहिक जीवन असफल हो गया और 1919 उन्नीस में और इस कपल ने एक दूसरे को डाइवर्स कर दिया हालांकि उसी वर्ष अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी कजिन से विवाह कर लिया था जिनका नाम एल्सा था तो आगे देख लेते हैं करेक्टर और है, एल्सा हैं तो एल्सा कौन है अल्बर्ट आइंस्टीन की दूसरी पत्नी है ठीक है तो क्या है दिस लेसन डिस्कस अबाउट द लाइफ ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन द ग्रेट ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी ही वॉज वर्न ऑन फोर्टीन मार्च एटीन सेवेंटी नाइन इन द सिटी ऑफ ओल्म इन जर्मनी सभी जानते हैं इस बात को कि उनका जन्म चौदह मार्च अठारह सौ उन्यासी में ओल्म जर्मनी के ओल्म नामक स्थान में हुआ था ठीक है तो इन स्पाइट ऑफ बींग फेल्ड एट स्कूल आइंस्टीन इ्स सेल इन हीज प्रोफेशनल लाइफ हीज ही मैरिड हिज कॉलेज मेरट मलेवा इन नाइनटीन हंड्रेड थ्री उन्नीस सौ तीन में इन्होंने विवाह कर लिया था तो इन नाइनटीन फिफ्टीन ही पब्लिश हि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड वर्क इन ऑन डिफरेंट साइंटिफिक थ्योरीज और उन्नीस सौ पंद्रह में जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई थी तो ये 1915 में आई थी और उसको प्रकाशित कर दिया था हिल और इसकी जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वर्कड ऑन डिफरेंट साइंटिफिक थ्योरीज और उसके बाद इन्होंने विभिन्न प्रकार की थ्योरी पे भी कार्य किया ही वॉज़ अवार्डेड द नोबल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921 ट्वेंटी वन उन्नीस सौ इक्कीस में भौतिकी के क्षेत्र में अग्रणी होने के कारण इनको पुरस्कार से नमाजा गया नोबल प्राइज़ दिया गया एज ए साइंटिस्ट एक वैज्ञानिक रूप में हिज मरवेल डिस्कवरीज क्रिएटेड रिवोलशन उनके द्वारा जो भी डिस्कवरीज की गई उन्होंने एक क्रांति ला के खड़ी कर दी एंड एज द ह्यूमन बींग और सर्वश्रेष्ठ बात यह है कि वो एक ग्रेट साइंटिस्ट होने के नाते, नाते नाते एक बहुत बड़े मानवतावादी भी थे ठीक है बहुत ज़्यादा मानव जात से प्रेम करने वाले भी थे ही वर्क टू वर्ल्ड पीस एंड नॉन वायलेंस तो उन्होंने कार्य किया टू वर्ल्ड पीस शांति के लिए अपील की एंड नॉन वायलेंस और अहिंसा के वो बहुत पक्ष में थे वैन ही डाइड इन 1955 और जब उनका जन्म देहांत 1955 में हुआ ही वाज कंसीडर्ड एड ए वर्ल्ड सिटीजन तो उनको विश्व नागरिक के रूप में माना गया और सबसे बड़ी बात ये जान लेते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया तो ई बराबर एम सी स्क्वायर तो जो अनपढ़ लोग थे जो अशिक्षित लोग थे वो नहीं समझ पा रहे थे कि वास्तव में इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है जिससे पूरी दुनिया आश्चर्य में डूबी है तो उन्होंने उन अप जो अशिक्षित लोग थे उनको दो लाइन में कहना चाह कि इफ़ यू सेट विद ए नाइस गर्ल टू आवर्स इस इट सीम्स टू मिनट्स माना कि जब आप किसी सुंदर सी लड़की के पास बैठ जाते हैं तो दो घंटे आप बैठते हैं तो आपको दो मिनट लगता है लेकिन इफ़ यू सिट हॉट स्टॉप फॉर टू मिनट इट सीम्स टू आवर और इसके बाद जब आप बहुत गर्म भट्टी के पास दो मिनट बैठते हैं तो आपको लगता है कि दो घंटा हो गया है तो यही है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसमें ये बताया गया कि टाइम और डिस्टेंस जो है वो आपस में एब्सोल्यूट नहीं है तो यहाँ इसके ग्लोसरी देख लेते हैं मीनिंग है इंडिकेशन साइन संकेत डेस्टिनेट फॉर ग्रेटनेस तो सफलता के लिए नीयत ऑन द कंट्रेरी तो इसके विपरीत द अपोजिट ऑफ इट्स इट इज़ ट्यू ये नहीं बोलेंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा तो आप पढ़ सकते हैं तो फ्रीक फ्रीक तो मीन्स मौजी असन की अटर्ड स्पोक बोला या बोलता था न्यूबर्न जस्ट बिन नवजात एंशियंट ओल्डन प्राचीन लीजेंड अमिथ दंतकथा ऑथेंटिक और रियल ट्रू या प्रामाणिक तो रिलीव्ड चिंतामुक्त होकर मैटर अंतर नहीं जाएगा तो अंतर नहीं आएगा ये सही है गिफ्टेड क्या है तो प्रतिभा संपन्न अमेच्योर क्या है नॉट प्रोफेशनल शौकिया so, इसके बाद क्या है रेजिमेंटेशन तो स्ट्रीम डिसिप्लाइन कठोर अनुशासन क्लैश्ड टकरा जाता था भिड़ जाता था स्टीफलेट सफोकेटेड इट मीन्स घुटन भरा फॉर गुड फॉर एवर सदा के लिए प्रोलॉन्ग कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम इट मीन्स लंबे अपील्ड वाज प्लीज प्लीजिंग रुचकर थी डैसिंग तो बना था ना जोशीला अट्रैक्टिव कॉन्फिडेंट एंड एक्साइटेड वालरस तो यहाँ वालरस जैसी वालरस एक दो हाथी के दो दांतों जैसे दांते वाला समुद्री जीव होता है ओके तो सर्व अ पर्सन बिलोंगिंग टू ए ग्रुप लिविंग इन युगोसिल्विया तो क्या है सर्व क्या है युगोसलविया में रहने वाले एक समुदाय का सदस्य अलाई क्या है तो फ्रेंड फ़िलिस्तीन तो उन लोगों के लिए जो कला साहित्य या संगीत को पसंद नहीं करते आगे देख लेते हैं बी एट ऑड डिसग्री सहमत ना होना टेंडरनेस सजनता प्रभाव सहानुभूति का भाव रिलेटिविटी सापेक्षता विक्टोरियस सफल पेटेंट, एक अधिकार जोकिंगली इन्हें लाइट मूड हल्के फुल्के मजाक से एब्सल्यूट इंडिपेंडेंट व निरपेक्ष मास द्रव्यमान एनर्जी ऊर्जा वैक्यूम निर्वात अनरेवलिंग, असफल होती जा रही पुट एंड पुट द बेडिंग ऑफ विवाह को टाल दिया क्वाइंसाइडेड एक साथ घटित हुआ फॉल्टर्ड डगमगाता चला गया और इसके बाद है इंटरप्रिटेशन तो एक्सप्लेनेशन व्याख्या ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण इक्लिप्स ऑफ द सन सूर्य ग्रहण डिफ्लेक्टेड मड़ा हुआ या हटा हुआ इसके बाद लव प्रशंसा की गई इमेजरेटिड उत्प्रवास कर लिया इन्हे अपरो व्यथित व्यग्र फैसिज्म फांसीवाद ए पर्टिकुलर सिस्टम वंस इन फोर्स इन इटली ओके कॉलीग सहकर्मी सराउंडिंग चारों ओर का टेरिटरी राज क्षेत्र इसके बता के देखते हैं मसिब आधिकारिक औपचारिक पत्र इम्पैक्ट प्रभाव डिकेट दशक एजिटेटिंग आंदोलन करते हुए बिल्डअप क्रमिक वृद्धि विजनरी स्वप्न दृष्टा जीनियस प्रतिभावान ओके पहला क्वेश्चन करते हैं आइंस्टीन बर्न बट डिड हिज मदर थिंक ऑफ हिम तो क्या हो जाएगा अलबर्ट आइंस्टीन वाज बर्न ऑन फोर्टीन मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ ओल्ड हिज मदर था वॉज ए फ्री फॉर आइंसटीन मदर हैज हेट वाइज टू मच लार्ज देन अदर चिल्ड्रंस ऑफ हिज एज हिंदी लिखी है तो कोई दिक्कत नहीं है देख सकते हैं वाई डिड आइंस्टीन प्ले विद हिमसेल्फ इन चाइल्ड हुड तो आंसर क्या हो जाएगा आइंसटीन प्लेड विद बाई हिमसेल्फ इन हीज चाइल्ड हुड बिकॉज ही डिड नाट नो वाट टू डू विद अदर चिल्ड्रेन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हेम

became a gifted amateur violinist he maintained this skill throughout his life next question what did headmaster tell albert's father about him the headmaster told albert's father that whatever einstein chose as a profession would not matter because he would not make a success at anything Question number five: Which remarkable incident happened in the life of Einstein in 1921? So the remarkable incident was that Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. It made him famous all over the world. Question six: What is Einstein's theory? A special theory of relativity? So, according to Einstein's theory of relativity, time and distance are not absolute. From this, followed the world's most formula, famous formula, which describes the relationship between mass and energy. I.e., E equal to mc square. क्वेश्चन नंबर सेबल डेड आइंस्टीन लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैव एन इफेक्ट व्हाट वाज द रिजल्ट आंसर देखते देख लेते हैं यस द लेटर रिटन बाय एल्बर्ट आइंस्टीन टू अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैव एन इफैक्ट द अमेरिकन्स डेवलप द आटोमिक बॉम्ब इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट एंड एंड ड्रॉप्ड एट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ ह्युरोसमा इंड नागा डिस्ट्राइंग एट कंप्लीटली लॉन्ग आंसर देखते हैं राइट द करेक्टर स्केच ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन तो इंट्रोडक्शन देखते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज ए ग्रेस्ट साइंटिस्ट हु इज नन फॉर द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड द मासर्जी इक्वेशन ई इक्वल टू एम सी स्क्वेर ही आल्सो वर्क फॉर द पीस एंड डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इंटेलिजेंट पहली हेडिंग है तो इसमें देख लेते हैं ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट ही वॉज गिफ्टेड विद मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स ही ऑलवेज गॉट गुड मार्क्स इन आलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट हार्ड वर्किंग हार्ड वर्किंग में ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग मैन ही वर्क एज ए टीचिंग असिस्टेंट गैप प्राइवेट लेसन एंड ऑल्सो वर्क एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इज बर्न आर्ट लवर so einstein loved music and played with violin. he was lover of art, literature and music. peace lover. next heading is peace lover. so einstein worked for peace and democracy in the world to ensure the peace in the world. he wrote letters to american president and united nations. conclusion. तो दस वी कैन से दैट आइंस्टीन वॉज़ ए ग्रेट साइंटिस्ट एंड ए ग्रेट ह्यूमन बींग टू ओके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव ही एवरी थिंग टू विस मीन्स मतलब हर बात को वो दो बार बोलती थी इसका मतलब क्या है तो ही यूज टू रिपीट द वर्ल्ड इसका मतलब क्या है कि वो एक सेंटें एक वर्ल्ड को दो बार बोलते थे नंबर सेकेंड आइंस्टीन हेटेड द स्कूल एजमेंटन एज द स्कूल हैड स्टिक हो जाएगा डिसिप्लिन ओके नंबर थर्ड आइंस्टीन वाज गुड एट स्टडी एंड ही वाज एक्पेक्ट एक्सपेक्टली गुड एट मैथमेटिक्स मतलब वो मैथमेटिक्स में भी उनकी अच्छी पकड़ थी और इसके बाद है बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग मीन्स कहने इसका मतलब क्या है अदर देन साइंस मतलब की साइंस की तुलना में जो दूसरे सब्जेक्ट थे ही हैड इंटरेस्ट इन समथिंग एल्स ऑल्सो उन सब्जेक्ट में भी अल्बर्ट आइंस्टीन की एक अच्छी पकड़ थी अगला है आइंस्टीन फेल्टैट मिलेवा बाज तो क्या हो जाएगा द वन होम ही कुड लव हाँ तो वो केवल वही थी जिसको वो स्नेह कर सकते थे या प्यार कर सकते थे कहने का तात्पर्य है नंबर सिक्स आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर बिगन बेन ही मैरिड एल्सा हिज कजिन ये इसका आंसर हो जाएगा नंबर सेवन आइंस्टीन रिसीव द नोवल प्राइज इन तो नाइनटीन ट्वेंटी वन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आठ नंबर है आइंस्टीन प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ तो हो जाएगा ए वर्ल्ड गवर्नमेंट ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं मैचिंग द वर्ल्ड इन वर्ड को मैच करना है तो कॉलम ए कॉलम बी में तो इंडिकेशन तो इंडिकेशन का एक नंबर लिखा है तो एक नंबर ये लिखा है सिग्नल हो जाएगा रेजिमेंटेशन का मतलब दो नंबर लिखा है तो दो नंबर ये हो जाएगा डिसिप्लिन क्लेवर क्रिएचर्स का मतलब हो जाएगा इंटेलिजेंट ये थ्री नंबर पे है तो थ्री नंबर पे ये है नंबर फोर परफेक्टली का मतलब हो जाएगा कम्प्लीटली ओके okay? और फार्मूला का मतलब क्लू है एजिटेटिंग का मतलब हो आंदोलनकारी तो इसका मतलब हो जाएगा अस्टाउंड ठीक है तो इस प्रकार से लेसन समाप्त होता है आशा है आपको लेसन अच्छा लगा होगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच आपका दिन मंगलमय हो